से क्लेने ईगल्स अस्पताल में 15 वर्षीय मरीज अनामता अहमद के कंधे स्तर के कुल बांह प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। बांह प्रत्यारोपण सर्जरी करने वाली यह सबसे कम उम्र की मरीज है। परेल स्थित ग्लेनेगल्स अस्पताल के प्लास्टिक हाथ और रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर नीलेश जी नंद भाई के नेतृत्व में अन्य एक डॉक्टर की टीम ने यह सर्जरी की है। यह सर्जरी 12 घंटे चली। सर्जरी के बाद अब मरीज की सेहत में सुधार हो रहा है। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाली 15 वर्षीय अनामता अहमद छुट्टियों में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने गांव गई थी। अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलते समय उसकी गलती से छत पर 11 केवी तार को छू लिया। इससे उन्हें बिजली का तेज झटका लगा और वो काफी जल गई। उसके दाहिने हाथ में गैंग्रीन हो गया और उसका हाथ 3 बार काटना पड़ा। उसका बायां हाथ भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें बड़े घाव थे और वह ठीक नहीं हो रहा था। उसके माता पिता ने देश के कई अस्पतालों और कुछ अंतरराष्ट्रीय अस्पतालों में इस समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। वे जहां भी गए उन्हें हर जगह से मना कर दिया गया। अंत में वह ग्लेनेगल्स अस्पताल के डॉक्टर नीलेश संत भाई से मिले, जिन्होंने इस कठिन प्रत्यारोपण सर्जरी की चुनौती स्वीकार की। वह हाथ प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत थी और उसे उपयुक्त दाता मिलने में 1 वर्ष से अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ा। 1 महीने पहले अनामता ने अपने हाथ प्रत्यारोपण की सर्जरी करवाई और कंधे के स्तर पर सफल हाथ प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र की मरीज बनी है। अनामता कंधे के स्तर पर प्रत्यारोपण करने वाली दुनिया की पहली महिला भी है। अनामता के सूरत के एक 9 वर्षीय ब्रेन डेड डोनर से हाथ मिला, जो आज तक देश का सबसे कम उम्र का हाथ दाता है। मरीज अनामता अहमद ने कहा कि यह पल एक सपने के सच होने जैसा है। हाथ न होने के कारण मैं काफी चिंतित थी। बिजली के झटके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, लेकिन डॉक्टर नीलेश सदभाई और उनकी टीम के कारण मुझे नई जिंदगी मिली है। इस हाथ प्रत्यारोपण ने मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है और मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है। मुझे नई जिंदगी देने के लिए मैं डॉक्टर और उनकी टीम की आभारी हूँ। परेल स्थित ग्लेनेगल्स अस्पताल के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बिपिन शेवाले ने कहा कि अंगहीनों के लिए हाथ प्रत्यारोपण ही एकमात्र जीवन परिवर्तनकारी और व्यवहारिक समाधान है। अनामता के सफल हाथ प्रत्यारोपण के बाद यह अस्पताल का 12वां सफल प्रत्यारोपण था। हमने मुंबई और भारत भर के अन्य शहरों और विदेशों से भी कई हाथ विकलांगों से कई ऑनलाइन पूछताछ और व्यक्तिगत अनुरोधों के साथ रुचि में वृद्धि देखी है। मुंबई और पश्चिम भारत में हाथ प्रत्यारोपण के लिए एक अग्रणी सुविधा के रूप में ग्लेनेगल्स अस्पताल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नई तकनीकों से लैस है और पुनर्निर्माण प्रत्यारोपण सर्जरी में उच्चतम मानकों का पालन करता है। हमारा उद्देश्य असाधारण मरीज देखभाल प्रदान करना है और व्यक्तियों को नए जोश और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। तो आज एक बहुत स्पेशल ओकेजन है। अनामता जिसका रिसेंटली हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है, ये एक बहुत ही यूनिक ट्रांसप्लांट है कई कारणों के लिए। अनामता पहली ऐसी लड़की है दुनिया भर में जिसका शोल्डर लेवल पे ट्रांसप्लांट हुआ है और ये यंगेस्ट रेसिपिएंट भी है जिसका शोल्डर लेवल पे ट्रांसप्लांट हुआ है। तो नेचुरली शोल्डर लेवल ट्रांसप्लांट्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, इनमें कई सारी कठिनाइयाँ आने की चांसेस होते हैं। इसीलिए दुनिया भर में बहुत कम ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरीके की सर्जरीज या ट्रांसप्लांट्स हो पा रहे हैं और हमें खुशी है कि ये सर्जरी अनामता में सक्सेसफुल हो पाई और उसका हाथ जो 2 साल पहले एक इलेक्ट्रिक शॉक में जल गया था, आज उसको एक उम्मीद है कि वो अपने नए हाथ से एक नॉर्मल लाइफ को जीने की कोशिश करें। मैं अनामता अहमद हूँ, मुंबई से 15 साल की हूँ। मैं यूपी में अक्टूबर 2022 में अपनी बुआ के घर दिवाली वेकेशंस के लिए गई थी। उधर टेरेस पे मैं बस ऐसे ही खेल रही थी उसकी रेलिंग पे, सडनली मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया एंड मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि मुझे 11,000 वोल्ट्स की वायर का करंट लगा है। तो अलीगढ़ के जो लोकल हॉस्पिटल है, अलीगढ़ का मेडिकल, उधर जब हम गए उन्होंने बोला कि मेरा राइट हैंड एम्प्यूट करना पड़ेगा। हमें एक और ऑप्शन चाहिए था तो उसके लिए हम दिल्ली गए बाय रोड एम्बुलेंस से। तो हम मेदांता गए थे, उधर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने सब देखा, बट उन्होंने भी बोला कि राइट हैंड एम्प्यूट करना पड़ेगा। अब लास्ट ऑप्शन मुंबई बचा था तो फिर हम मुंबई आए फ्लाइट से। तो वो जो फ्लाइट का जो टाइम था, बस मेरे पास उतना ही टाइम था सोचने के लिए कि अब मुझे आगे करना क्या है। मैंने सोचा कि अगर मैं हिम्मत हार गई तो शायद मेरे पेरेंट्स भी टूट जाएंगे, अब जो होगा जो लिखा होगा वो हो जाएगा।
सो हम मुंबई आए नेशनल बर्न सेंटर, तो उन्होंने मेरा हैंड सेव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा राइट हैंड सेव नहीं हो पाया। मेरा लेफ्ट हैंड भी सिर्फ 20% फंक्शनल था, एंड इसकी वजह से मेरा राइट हैंड एम्प्यूट हो गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं जो छोटी छोटी बातों पे हिम्मत हार जाते हैं। फिर मुझे हैंड ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला, डॉक्टर नीलेश सतभाई ने मेरा हैंड ट्रांसप्लांट किया, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर नीलेश सतभाई एंड द होल टीम, मिस्टर नीलेश मांडलेवाला एंड द डोनर एंड डोनर्स फैमिली, थैंक यू सो मच। सो आज हम यहाँ पे जमा हुए थे देखने के लिए कि ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल मुंबई में एक हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कि डोनर और रेसिपिएंट काफ़ी यंग है। हम अगर बात करें डोनर की, तो शी इज़ द यंगेस्ट नो डोनर इन द होल ऑफ द वर्ल्ड एंड द यंगेस्ट रेसिपिएंट इन एशिया। अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक 13 साल की लड़की का एक इलेक्ट्रोलोकेशन में हाथ जो है, हैंड जो है, वो एम्पूटेट करना पड़ा था, और कम से कम 1.5 साल तक वेट करने के बाद एक डोनर ने जो ब्रेन डेड थी उसने डोनेशन किया है हैंड का, और जिसके वजह से जो लड़की है 14 साल की, उसको एक नया हाथ मिला है, नई जीवन की आशा मिली है। और ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल मुंबई जो है, ये पिछले 4 सालों से ये हमारा 12वां हैंड ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट रहा है, और इस सर्जरी में हम काफ़ी अग्रेसर है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर नीलेश सतभाई और उनकी जो टीम है, ये पूरी तरह से इस चीज़ में लगी हुई है और अच्छा काम कर रही है, और हम ये चाहते हैं पब्लिक से कि इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े, कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, लोग डोनेट तो करते हैं, बट जो एक्सटर्नल ऑर्गन है हैंड, बहुत सारे लोगों को उसकी ज़रूरत है, लेकिन आज बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो उसमें जागरूकता फैलाना यही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य, और ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल उसके लिए कटिबद्ध है। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।